मध्य प्रदेश की खरगोन जिले की सीमा पर विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित है मां पार्वती का सबसे पुराना मंदिर। वर्तमान में विंध्यवासिनी मां पार्वती माता के नाम से यह मंदिर विश्व प्रख्यात है। मंदिर में मां दुर्गा की अष्टभुजा में अलौकिक प्रतिमा विराजित है। साल भर यहां भक्तों को तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में हजारों लाखों की संख्या में भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत उतारते हैं। बताया जाता है कि जिस जगह मंदिर बना है यहीं पर देवताओं के आह्वान पर महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा प्रकट हुई थी और जिले की महेशमती वर्तमान में महेश्वर सीमा क्षेत्र में महिषासुर का वध करके मां पार्वती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इसका उल्लेख मां दुर्गा चालीसा और स्कंद पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। मंदिर के पुजारी गोवर्धन शर्मा बताते हैं कि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि किसी बालिका के हाथों ही उसकी मौत होगी। तब सारे देवताओं के आग्रह पर मां दुर्गा बाल रूप में यहां प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया। पुजारी की माने तो 3 रूपों में मां दर्शन देती है, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवा अवस्था और शाम को वृद्ध अवस्था में दर्शन देती है। यही नहीं, रात के समय माता की सवारी शेर भी दर्शन के लिए मंदिर में आता है। मंदिर संचालन समिति के संदीप पाटीदार बिहारी लाल नागोरा बताते हैं कि माता के मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्कंद पुराण के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर महिषासुर का वध करने वाली मां विंध्यवासिनी का यह एकमात्र मंदिर है। यह पूरा क्षेत्र जामघाट और माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहीं मंदिर समिति के वैकुंड रामेश्वर पटेल बताते हैं कि 20 साल पहले यह बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण भी होलकर स्टेट की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था, लेकिन अब समिति द्वारा जन सहयोग से मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने के लिए जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब तक करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण हो चुका है, 2 करोड़ रुपए के करीब और लगना बाकी है। दानदाताओं में सबसे ज़्यादा दान देने वाले निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरा नाम गोवर्धन शर्मा, मैं यहाँ का पुजारी हूँ पंडित जी, और यहाँ पे तो जो भी लोग आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाल बच्चे खोल भरते हैं तो हजारों को यहाँ बाल बच्चे हो गए, और जिसकी परेशानी हो वो सब परेशानियाँ भी दूर होती है यहाँ पे। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ कहते हैं कि महेशमती नगरी में वहाँ पे महिषासुर का मर्दन यहाँ किया था माता जी ने, और फिर यहाँ आए थे माता जी, ऐसा कहते हैं। और यहाँ शेर तो हमेशा आते ही रहते थे, पहले हमारे बचपन में हमारे सामने यहाँ पे हाँ बहुत बार देखा, यहाँ पे आ जाते थे शेर। ये तो जंगल ही जंगल था, अभी भी आता है मतलब। अभी आते हैं, पर ये लाइट की वजह से नहीं, पास पास नहीं निकल जाते हर साल, हर नवरात्रि में तो आते ही पास से घूम जाते हैं। 3 रूप बदलती है माता जी, सूरज भी निकलता है तो पीली किरण माता जी के ऊपर ही गिरती है, और यहाँ 3 रूप सुबह बाल रूप रहता है, 12 बजे जवानी में माता जी का रूप दिखता है, फिर शाम की टाइम है तो फिर वृद्ध रूप दिखता है, ऐसा है तो क्या नाम से होता है। यहाँ से तो प्रकाश भी है तो क्या नाम से, अभी 2-3 साल हो गए जब यहाँ से प्रकाश भी निकल करके निधर गया, सब ने लोगों ने देखा प्रकाश बिल्कुल यहाँ से निकल करके गया। मेरा नाम संदीप पाटीदार है, विंध्यवासिनी पार्वती धाम के नाम से जाना जाता है, और ये माता का नाम स्कंद पुराण में भी लिया जाता है कि महिषासुर मर्दनी का नाम से जाने जाते हैं। और अष्टभुजा माँ पार्वती माता ने महिषासुर का वध करने के लिए, माता रानी ने गुफा से बाहर निकल के महिषासुर को वध किया था। जब से माता रानी का नाम अष्टभुजा महिषासुर मर्दनी के नाम से, पार्वती माता नाम से जाने जाता है। ये जाम गेट में मंदिर है, ये पार्वती माता का मंदिर, और मेरा नाम है बिहारी लाल नागोरा, छोटी जाम से ही। मैया जैसे जो प्रार्थना मतलब सच्चे मन और दिल से करे, सबकी मनोकामना करीब करीब पूर्ण होती है। या ऐसे अभी जैसे नवरात्रि चल रही थी, इसमें जितने भी मतलब यहाँ करीब 10-20 तोला दान या कुछ मान वाले मतलब आते रहते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं बैकुंठ रामेश्वर पटेल। आज 20 साल मतलब 2023 में ये भव्य मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें करीबन 3 करोड़ की लागत लग चुकी है और 2 से 3 करोड़ रुपए की और लागत लगेगी, और निश्चित है कि जिस लगन से, जिस मेहनत से मंदिर ट्रस्ट के सदस्यगण, भक्तगण, मालवा निमाड़ के भक्तगण जिस प्रकार से लगे हैं, सेवा दे रहे हैं, दानदाता दान दे रहे हैं, इस मंदिर को भव्य रूप और संपूर्ण करके ही
धर्म की जय करेंगे। और कहीं न कहीं ये जो भव्य मंदिर है उन्हीं की देन है। सबसे बड़े अगर दानदाता हैं तो संत सियाराम बाबा ही हैं। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।